बेलगावी में एक महिला के साथ मारपीट कर कपड़े उतार कर सड़क पर घुमाया गया और इलेक्ट्रिक पोल से बांध कर 3 घंटे के करीब महिला को मारने का वाकया पेश आया है। इस हादसे के बाद पूरे कर्नाटका में सियासी हलचल शुरू हो गई है और बीजेपी लीडर पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट कर इस हादसे को कांग्रेस हुकूमत की नाकामी बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस औरत का बेटा किसी महिला के साथ भाग गया और बेटा न मिलने पर कुछ लोगों ने इस औरत के कपड़े उतार कर सड़क पर घुमाया और इलेक्ट्रिक पोल से बांध कर बुरी तरह पिटाई की है। गुलबर्गा शहर में भी इस हादसे के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा के जरिए एहतजाज किया गया, जिसमें बीजेपी एमपी उमेश यादव भी शामिल थे। बीजेपी लीडर्स का कहना है कि एक महिला के कपड़े उतार कर लगातार 3 घंटे तक मारा गया पर पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। गुलबर्गा के अलावा बीजेपी पूरे कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर रही है। इस मामले पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने बताया, बेलगावी पुलिस ने कुल 13 लोगों पर केस बुक कर 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 लोग फरार हैं, जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। गुलबर्गा में हुए प्रोटेस्ट के जरिए बीजेपी महिला मोर्चा और एमपी उमेश यादव ने इस मामले पर क्या कहा, आइए देखते हैं। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalburgi. आज हम सब के लिए ये खाली महिलाओं के लिए मिसित नहीं है, ये पूरे राज्य का पूरे देश के जनता को मुंह नीचे करने वाला एक इंसिडेंट बेलगाम में हुआ है और हम लोग तहे दिल से इसका निंदन करते हैं। और अभी जो फिलहाल कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट है वो कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर का देखभाल नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कर्नाटका में है ये। और लक्ष्मी हेब्बाळकर जो महिला और बच्चों की मिनिस्टर में हैं वो वही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनके नाक नीचे ही ऐसी घटना होती है, बहुत शर्मनाक बात है ये। और यही नहीं, फीमेल फिटिसाइड जो हम बोलते हैं, जो लड़की है तो अबॉर्शन करने का जो ये बहुत इनह्यूमन एक्ट चल रहे हैं, मोर देन 900 अबॉर्शंस हुए हैं, नोटेड अबॉर्शंस जो नोटेड है शायद हज़ारों में होगा। जब हमारे केंद्र सरकार मैं नरेंद्र मोदी जी हम सबको मिला के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में है और 33% रिजर्वेशन दिए है और एक स्ट्रांग बुनियाद औरतों के लिए, हमारे देश के औरतों के लिए बना चुके हैं, तो यहाँ कर्नाटक सरकार में ऐसी शर्मनाक घटनाएं होती है तो इसका मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं है। दिल में बहुत तकलीफ़ होते है और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ये सरकार जल्द से जल्द कर्नाटक में नहीं रहे, क्योंकि इससे कर्नाटक का भविष्य नहीं है। सरकार नम महिला मोर्चा नम गुलबर्गा नम कर्नाटक इंत ಆಗಿಲ್ಲರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಸುಮೋಟೊ ಇವತ್ತು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋದಾರೆ. ಇಂಥವು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೈ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂ ಪಿ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೇನೇನಿದೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಏನೇನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು CBI COD ಕೊಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಆಗ್ಲಾರದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಹಾಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ,
ಇಂದೂ ಬಾಸಲು ಆಗ್ಯಾವ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಂಡದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ 8 ಮಂದಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸಿವಿಯರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalburgi.